हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू आर लेट्स बिगिन विद हम डेली के एक क्वेश्चन को डीकंस्ट्रक्ट करते हैं और एनालाइज करते हैं कि उस क्वेश्चन का सोर्स क्या है कि उस क्वेश्चन के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं और उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या अप्रोच होनी चाहिए इन टूडेज एडिशन वी विल डी द फोर्थ क्वेश्चन ऑफ प्रिलिमिनरी ट्वेंटी सेट ए ये क्वेश्चन भी पास्ट थ्री क्वेश्चन जोग्राफी से ही है और कॉमन टर्मिनोलॉजी में बात करें तो ये है जियोग्राफी टू से इस क्वेश्चन में इंडिया के टोटल कल्टिवेबल एरिया इंडिया का लैंड अंडर इरिगेशन और इंडिया की एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी पर हेक्टेयर पर नॉलेज को टेस्ट किया गया है और इसको कंपेयर किया गया है चाइना के टोटल कल्टिवेटेड एरिया से टोटल एरिया अंडर इरिगेशन से और चाइना की प्रोडक्टिविटी पर हेक्टेयर से अब सबसे पहले ये देखते हैं कि आपकी प्रिपरेशन के दौरान आपको कहां पर सबसे पहले इस क्वेश्चन से रिलेटेड नॉलेज मिलेगी अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड नॉलेज आपको काफी जगह पर मिल सकती है पर उन में दो मेजर सोर्स की बात करें तो पहला सोर्स है न्यूज आर्टिकल्स जहां पर फ्रीक्वेंटली इंडिया की लो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी की बात की जाती है फॉर इंस्टेंस जब इंडिया की फर्टिलाइजर्स इंपोर्ट डिपेंडेंसी पर न्यूज में बात हो और दूसरा सोर्स है स्टैंडर्ड बुक्स जैसे कि एनसीआरटी अब हम बात करते हैं एनसीईआरटी बुक्स की क्योंकि ये एक असेंशियल पार्ट है आपकी प्रिपरेशन का नाउ अ साइड नोट आई होप यू नो की जियोग्राफी के लिए क्या -क्या उनको ब्रीफली जाए तो क्लास सेवेंथ की एन बुक फॉर जियोग्राफी आवर एनवाइ और क्लास एट्थ की एनसीआर बुक फॉर जियोग्रफी रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट क्लास नाइन्थ की एनसीआर बुक फॉर जियोग्राफी

सब कुछ कवर टू कवर नहीं पढ़ना है पर सेलेक्टिवली पढ़ना है और अब क्या छोड़ना है दैट इज अ होल डिफरेंट टॉपिक जिस पर हम आज बात नहीं करेंगे यूज योर इंटेलिजेंस फ्रॉम द नॉलेज ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कि यूपीएससी में किस तरीके की नॉलेज को टेस्ट किया जाता है और इन बुक्स में कुछ टॉपिक्स हैं जो काफी बार रिपीट होते हैं छोटी क्लास की बुक्स में उन पर ब्रीफ में बात की गई है और फिर बड़ी क्लास की एन में उन पर इलाबोरेटली बात की गई है तो आप नोट्स बनाए और उन रिपीट होने वाले टॉपिक्स को एक ही जगह पर एक साथ इंटीग्रेट कर ले नाउ कमिंग बैक टू द क्वेश्चन इस स्पेसिफिक क्वेश्चन से मोस्ट क्लोजली रिलेटेड नॉलेज आपको मिलेगी क्लास ट्वेल्थ की जियोग्राफी एनसीआर इंडिया पीपल एंड इकोनोमी के चैप्टर फाइव लैंड रिसोर्स एंड एग्रीकल्चर में इस चैप्टर में एग्रीकल्चरल लैंड यूज इन इंडिया की बात की गई है इस चैप्टर से आपको आइडिया मिलेगा कि अलग अलग लैंड यूज की कैटेगरीज क्या है लैंड डिग्रेडेशन के क्या क्या अलग रीजन हैं इंडिया में क्रॉप प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने की क्या जरूरत है और उसकी क्या अलग अलग स्ट्रेटेजी हैं वगैरह आप जियोग्राफी की इन सभी बुक्स और बाकी और सब्जेक्ट्स की भी सभी फंडामेंटल बुक्स को जल्द से जल्द पढ़ लें ये अभी का टाइम जब अभी नेक्स्ट प्रिलिमिनरी में और मेंस में काफी महीने हैं बेस्ट टाइम है फंडामेंटल बुक्स पढ़ने के लिए और नोट्स बनाने के लिए ताकि आप फिर जल्द से जल्द अपनी एडवांस प्रिपरेशन शुरू कर सकें तो अगर आप ये मेंशन किया गया ज्योग्राफी का चैप्टर पढ़ लेते हैं या पढ़ चुके हैं तो आपको एक बेसिक आइडिया होगा कि इंडिया में क्रॉपिंग पैटर्न क्या है और इंडिया की क्रॉपिंग इंटेंसिटी कैसी है पर फिर भी आपको वो नॉलेज जो इस क्वेश्चन में पूछी गई है वो नहीं मिलेगी बस एक फंडामेंटल कंसेप्चुअल नॉलेज आपको मिल जाएगी अब जो नॉलेज इस क्वेश्चन में पूछी गई है उसके लिए जरूरी है कि आप अपने प्रिपरेशन के दौरान पूरे साल में करंट न्यूज इवेंट्स या फिर और सोर्सेस जैसे कि स्पेशल रिपोर्ट्स, फॉर इंस्टेंस इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया और प्रीवियस ईयर में टॉपिक्स पर ध्यान देते रहें और उन पर नोट्स बनाते रहें और अगर आपने ऐसा किया तो फिर हाई चांसेस हैं कि आपको इस बेसिक फैक्ट का एक जनरल आइडिया मिल जाएगा कि इंडिया का एरिया अंडर लाइक इंडिया पॉपुलेशन साइज चाइना या फिर दुनिया में किसी भी कंट्री से सबसे ज्यादा है तो फिर पहली स्टेटमेंट इजीली सॉल्व हो जाती है, इस से। अब दूसरी पूछा गया है इंडिया का इरिगेटेड एरिया मतलब जिस एरिया में मैन मेडोर्सेस से वाटर को सप्लाई किया जाता है फॉर एग्जांपल कनाल्स के थ्रू ये एरिया अंडर इरीगेशन चाइना के एरिया अंडर इरीगेशन से ज्यादा है अब ये ऑप्शन भी सही है इस न्यूज आर्टिकल के अकॉर्डिंग इंडिया का इरिगेशन कवर 48 परसेंट है और चाइना का इरिगेशन कवर 41 परसेंट है और तीसरी स्टेटमेंट जिसमें बोला गया है कि इंडिया की एवरेज प्रोडक्टिविटी पर हेक्टेयर चाइना की प्रोडक्टिविटी पर हेक्टेयर से ज्यादा है अब ये स्टेटमेंट एक ईजी स्टेटमेंट है क्योंकि इंडिया के एग्रीकल्चरल सिस्टम की एक मेजर क्रिटिसिज्म ये है कि इंडिया का एरिया अंडर कल्टीवेशन तो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है पर फिर भी इंडिया का प्रोडक्टिविटी लेवल काफी कम है और ऐसा इसलिए है क्योंकि इंडिया में मॉडर्न एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी और रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर काफी कम इन्वेस्ट किया जाता है तो ये स्टेटमेंट भी इजीली सॉल्व होती है और ये स्टेटमेंट गलत है तो हम कंक्लूड कर सकते हैं कि पहली स्टेटमेंट सही है दूसरी स्टेटमेंट भी सही है और तीसरी स्टेटमेंट गलत है द आंसर इज बी ओनली टू अब इस क्वेश्चन से हमें क्या सीख मिलती है पहली एनसीआरटी जरूरी है फंडामेंटल नॉलेज के लिए वो आपके माइंड में कंसेप्ट को बनाती है और उसको एक बेसिक फ्रेमवर्क देती है और दूसरी सीख उन एनसीआरटीज से बने कंसेप्ट को आप बाकी और सोर्सेस जैसे कि न्यूज इवेंट्स स्पेशल रिपोर्ट्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वगैरह से और एनहेंस करते रहें। बहुत ही कम चांसेस हैं कि आपने जो बुक में पढ़ा हो उस नॉलेज को एज इट इज एग्जामिनेशन में टेस्ट किया जाए आइडियली बुक से आप इम्पोर्टेंट कंसेप्ट को समझे और उन कंसेप्ट को समय के साथ मिलने वाले इंफॉर्मेशन के साथ रेगुलरली स्ट्रेंथन करते रहें लेट्स बिगिन विद द करंट अफेयर इवेंट्स फॉर टुडे ये आज की पहली न्यूज है फॉरेन पॉलिसी एंड इंटरनेशनल रिलेशनशिप से और इसका कॉन्टेक्स्ट है एशियन गेम्स जो हर चार साल में एक बार होते हैं और इस साल चाइना इन गेम्स को होस्ट कर रहा है तो चाइना जो इन गेम्स को होस्ट कर रहा है उसने इंडिया के तीन वोशु प्लेयर्स जो अरुणाचल प्रदेश से हैं उनको इन गेम्स में एट द लास्ट मिनट पार्टिसिपेट करने के लिए

गलवान में इंडिया और चाइना के बीच हुए क्लैश में उस समय के मिलिट्री कमांडर को अपने गेम्स में एज अ टॉर्च बेरर अपॉइंट किया था इंडिया ने उस समय पर भी विंटर ओलंपिक्स को डिप्लोमेटिकली बॉयकॉट कर दिया था चाइना के इन स्टेप से इंडिया चाइना के बायलेटरल रिलेशंस में हो रहा गिराव नजर आता है ये नेक्स्ट न्यूज है पार्लियामेंट से पार्लियामेंट में एक बेहद अनफॉर्चुनेट इवेंट हुआ है जहां बीजेपी के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ओपोजिशन पार्टी के एक दूसरे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को को अनपार्लियामेंट्री कम्युनल और वर्ड्स यूज करके रेफर करते हैं अब इस न्यूज के काफी पॉलिटिकल हैं जिन पर हम बात नहीं करेंगे हम बात करते हैं इस इवेंट से जुड़े पॉलिटी एंड गवर्नेंस के एक एस्पेक्ट प्रिविलेज कमिटीज की ओपोजिशन मेंबर्स ने इस इवेंट को प्रोटेस्ट करते हुए इस मैटर को प्रिविलेज कमेटी को रेफर करने की डिमांड की है अब हम बात करते हैं प्रिविलेज कमिटी की पार्लियामेंट में काफी सारी कमिटीज होती हैं और इन सभी कमिटीज की नॉलेज फॉर यू एज अ सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन एस्पिरेंट एक फंडामेंटल पार्ट है पॉलिटी एंड गवर्नेंस की प्रिपरेशन का इन कमिटीज की बात करें तो पार्लियामेंट में तीन फाइनेंशियल कमिटीज चौबीस डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज तीन कमिटीज टू इंक्वायर पांच कमिटीज टू स्क्रूटिनाइज एंड कंट्रोल होती है तो प्रिविलेज कमेटी कमिटीज टू इंक्वायर की तीन कमिटीज में से एक कमेटी है और इस कमेटी में पार्लियामेंट्री प्रिविलेज के ब्रीच को इन्वेस्टिगेट किया जाता है इस प्रिविलेज कमेटी और पार्लियामेंट की बाकी और सभी कमिटीज से रिलेटेड डिटेल्स आपको अपनी पॉलिटी एंड गवर्नेंस के बुक में भी मिल जाएगी और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक नोट्स में भी मिल जाएगी ये नेक्स्ट न्यूज है न्यूयॉर्क से जहां पर इंडियन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जे शंकर इस समय प्रेजेंट है 78th यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली को एड्रेस करने के लिए तो यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली यूएनजीए की साइडलाइंस में क्वाड कंट्रीज के लीडर्स मतलब इंडिया जापान ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड स्टेट्स एक दूसरे से मिलते हैं और फिर वो कुछ मेजर टॉपिक्स पर बात करते हैं उन टॉपिक्स की बात की जाए तो वो इंडो-पैसिफिक रीजन को फ्री एंड ओपन रखने की अपनी कमिटमेंट को रीअफर्म करते हैं वो काउंटर टेररिज्म पर बात करते हैं यूक्रेन सिचुएशन पर डिस्कशन करते हैं जिसमें वो रशिया को मेंशन नहीं करते ब्लैक सी ग्रेन डील इनिशिएटिव को रीस्टार्ट करने की बात करते हैं और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को रिफॉर्म करने की बात करते हैं एस जयशंकर ट्यूसडे यानी कि कल यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली को एड्रेस करेंगे ये न्यूज है स्पेस और साइंस से हमने अपने प्रीवियस एडिशन में कवर किया था कि चंद्रयान थ्री मिशन के विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर जो इस समय मून की सरफेस पर डीप स्लीप मोड में है उनको मून पर अब सनराइज होने के बाद दोबारा से एक्टिव मोड में डाल दिया जाएगा और अब इस इवेंट से रिलेटेड लेटेस्ट डेवलपमेंट ये है कि इसरो ने विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर से कम्युनिकेट करने की कोशिश की है पर उनको उनसे कोई सिग्नल नहीं मिला इसरो विल कीप ट्राइंग अगेन और हम इस इवेंट से रिलेटेड डेवलपमेंट्स को फॉलो करते रहेंगे ये न्यूज है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर से रिलेटेड पार्लियामेंट की कई सारी कमिटीज में से एक कमिटी स्टैंडिंग कमिटी ऑन ट्रांसपोर्ट टूरिज्म एंड कल्चर ने ड्यूरिंग इट्स डिलीबरेशन रिकमेंड किया है कि अभी एग्जिस्ट कर रहे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया

AMASR Act 1958 में amendments करके introduce किया गया था। Parliamentary committee ने इन रूल्स के बारे में बोला है कि इन rules की वजह से रेजिडेंशियल एरियाज में, रह में रिपेयर करने में काफी रुकावट होती है इस पैनल ने बोला है कि सभी प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स पर एक सिंगल रूल लगाने की जगह इन मॉन्यूमेंट्स को क्लासिफाई किया जाए इस बेसिस पर कि उनकी नेशनल सिग्निफिकेंस क्या है उनकी यूनिक आर्किटेक्चुर वैल्यू क्या है और उनका स्पेसिफिक हेरिटेज कंटेंट क्या है और फिर उन कैटेगरीज पर अलग अलग रूल लगाए जाए ये नेक्स्ट न्यूज है मणिपुर से जहां पर पिछले 140 दिन से सस्पेंडेड इंटरनेट को अब रिस्टोर कर दिया गया है ये नेक्स्ट न्यूज भी है फॉरेन पॉलिसी एंड इंटरनेशनल रिलेशनशिप से और इसका कॉन्टेक्स्ट है इंडिया और कनाडा के बीच चल रहा विवाद जिसको एड्रेस करते हुए एक थर्ड कंट्री यूनाइटेड स्टेट्स की सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंथनी ब्लिंकन यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में बोलते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स ये कनाडा के एलिगेशन को लेकर काफी सीरियस है और उनकी कंट्री यूनाइटेड स्टेट्स कैनेडा के साथ चल रही इन्वेस्टिगेशन में कंसल्ट और कोऑपरेट कर रही है और ये आज की एक और न्यूज है इस ही इवेंट के कॉन्टेक्स्ट में यूनाइटेड स्टेट्स के एम्बेडर डेविड कोवेन ने इस चल रहे पूरे इवेंट में फाइव आइज इंटेलिजेंस अलायंस के एक्टिव रोल को कंफर्म किया है हम फाइव इंटेलिजेंस पर पहले बात कर चुके हैं आज एक बार फिर से करें तो फाइव आइज इंटेलिजेंस अलायंस एक वर्ल्ड वॉर टू एरा की अलायंस है जिसको इस अलायंस के मेंबर्स के बीच इंटेलिजेंस डाटा को शेयर करने के लिए बनाया गया था इसमें पांच मेंबर्स हैं यूनाइटेड स्टेट्स कैनेडा यूनाइटेड किंगडम ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ये न्यूज है इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एन जो इंडिया की डेडिकेटेड काउंटर टेररिज्म एजेंसी है उसने कैनेडा में रह रहे गुरपतवंत सिंह पन्नू जो सिक्स फॉर जस्टिस ऑर्गेनाइजेशन के लीडर हैं और जो इंडिया में एक डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है एनआईए ने उनकी इंडियन प्रॉपर्टीज को कॉन्फिस्केट कर दिया है मतलब जब्त कर लिया है और यह एक्शन एनआईए का पहली बार किया गया ऐसा कोई एक्शन है जब किसी एब्सकॉन्डिंग मतलब भगोड़े अक्यूज की प्रॉपर्टीज को कॉन्फिस्केट किया गया हो ये नेक्स्ट न्यूज है फॉरेन पॉलिसी एंड इंटरनेशनल रिलेशनशिप से और आज की दूसरी न्यूज है असेंबली से जिसका सेशन इस समय चल रहा है और सभी कंट्रीज के वहां पर आ रहे हैं असेंबली तो है, की साइड लाइन में आई बी एस ए ग्रुपिंग यानी की इंडिया ब्राजील साउथ अफ्रीका ग्रुपिंग की बाकी और मेंबर कंट्रीज के लीडर्स जो है ब्राजील और साउथ अफ्रीका से मिलते हैं और कई मुद्दों पर बात करते हैं उन मुद्दों की बात करें तो वो बात करते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की मेंबरशिप में चेंज को लेकर कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म के अडॉप्शन को लेकर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की सेंक्शन कमेटी में रिफॉर्म्स को लेकर और वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ में क्लाइमेट फाइनेंस से रिलेटेड रिफॉर्म्स को लेकर ये नेक्स्ट न्यूज है पॉलिटी एंड गवर्नेंस से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जिन्होंने इंटरनेशनल लॉयर्स कॉन्फ्रेंस को अभी रिसेंटली इनोग्रेट किया है उन्होंने उस इनोग्रेशन के दौरान अपनी स्पीच में बोला है कि गवर्नमेंट पार्लियामेंट की लेजिस्लेश को इंडियन लैंग्वेजेस में ड्राफ्ट किए जाने पर काम कर रही है गवर्नमेंट की कोशिश है कि इंडियन लैंग्वेजेस में उन लॉज को पब्लिश किया जाए और फिर आम आदमी भी उन लॉज को आसानी से समझ सके ये आज का एडिटोरियल है और इसका कॉन्टेक्स्ट है सेंसस ऑफ इंडिया सेंसस न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि पार्लियामेंट के स्पेशल सेशन में पास किया गया द कॉन्स्टिट्यूशन 128th अमेंडमेंट बिल 2023 जिसको वुमेन्स रिजर्वेशन बिल के नाम से भी जाना जाता है ये लैंडमार्क रिजर्वेशन बिल लागू होगा नई डिलिमिटेशन एक्सरसाइज के बाद जो की जाएगी 2021 के पेंडिंग सेंसस के बाद तो अब इस एडिटोरियल की बात करते हैं इस पीस के ऑथर सेंसस की इम्पोर्टेंस को एम्फोसाइज करते हैं कि सेंसस से मिलने वाला डाटा देश में होने वाली डेवलपमेंट एक्टिविटीज के लिए जरूरी होता है इंडिया में 1881 के बाद से हर 10 साल में पीरियोडिकली सेंसस कंडक्ट होता आ रहा है पर 2021 में होने वाला सेंसस पोस्टपोन कर दिया गया था कोविड पेंडेमिक की वजह से पर अब कोविड पेंडेमिक खत्म होने के काफी समय बाद तक भी 2021 के सेंसस को कंडक्ट नहीं कराया गया है और ये अब कब होगा इसके बारे में होम मिनिस्टर अमित शाह ने बोला है कि ये 2021 का सेंसस अगले साल 2024 में होने वाले जनरल इलेक्शंस के बाद कराया जाएगा इस पीस के ऑथर बोलते हैं कि अगर इस सेंसस को 2026 के बाद तक डिले कर दिया जाता है तो फिर इस सेंसस के डाटा के बेसिस पर लोकसभा की सीट्स को डिलिमिट किया जा सकेगा और इस पीस के ऑथर यह भी बोलते हैं कि इस सेंसस को डिले करने का एक रीजन सेंसस से जुड़े एक पॉलिटिकली सिग्निफिकेंट कास्ट सेंसस को अवॉइड करना भी हो सकता है अब जब भी ये सेंसस होगा इस सेंसस की बात करें तो ये इंडिया का पहला डिजिटल सेंसस होगा और इसमें सिटीजन को मौका दिया जाएगा सेल्फ एन्यूमरेशन का मतलब खुद ही अपने आप से सेंसस डाटा को फिल करने का इस पेंडिंग सेंसस को कंडक्ट कराने में 30 लाख गवर्नमेंट ऑफिशियल्स पार्टिसिपेट करेंगे और नॉर्मली सेंसस को पूरा करने में 11 महीने का समय लगता है अब इस सेंसस जिसमें नई टेक्नोलॉजीज को यूज किया जाएगा उसमें कितना समय लगता है दिस रिमीन्स टू बी सीन दिट सॉल्व फॉर टू डिफरेंस आई होप यू फाउंड दिस एडिशन यूजफुल अगर आपके कोई सजेशन या फीडबैक्स हैं लेट मी नो इन द कमेंट्स सी यू टूमोरो इन द नेक्स्ट एडिशन